बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शफ राबिया और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड के स्नैक्स मूंग की दाल के साथ। तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, बड़ी हेल्दी भी हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल ऊपर से सख्त और अंदर से नरम, चटपट बन के रेडी हो जाने वाला और घर में पड़ी हुई आम सी चीज़ों से बनने वाला स्नैक्स। चाट मसाला डालें इस तरह से ऊपर हल्का सा, आप इसको लंच में बच्चों को बना कर दें या फिर मेहमानों के लिए बनाएं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। मूंग की दाल ली है मैंने सबसे पहले, जिसको मैंने 3 से 4 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था ताकि अच्छी तरह ये सोक हो जाए। तकरीबन 10 मिनट पहले मैंने इसको छान दिया था। टोकरी ले ले या फिर छलनी ले लें, आपने इसको इस छान देना इस तरह से ताकि इसका जो पानी है ना वो सारा निकल जाए। और अब हम इसको ग्राइंड करेंगे ग्राइंडर में डाल कर। दाल को मैंने पीस कर इसका अच्छे से बैटर बना लिया है। ये देखिए माशाल्लाह से इस तरह से इसको मैंने पीसा है, हल्का हल्का पानी अंदर डालकर थोड़ा थोड़ा। तो इसका बैटर जो है ना वो इस तरह से होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ, कोई दाना वगैरह अंदर नहीं होना चाहिए। अब हम इसके अंदर डालेंगे स्पाइसेस, 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे, 1/2 टीस्पून नमक जाएगा, सुर्ख मिर्च पिसी हुई 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पिसा हुआ 1/2 टीस्पून, ये है मेरे पास बेकिंग सोडा जो जिसको मीठा सोडा भी बोलते हैं, तो ये जाएगा इसके अंदर 1/4 टीस्पून। अब हम इसको अच्छे से हल करेंगे अच्छी तरह से। ये 3 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया है, आप चाहे तो कॉर्नफ्लावर ले लें या फिर आप बेसन डालना चाहे तो बेसन भी डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर मैदा डाल रही हूँ तो इसको हम छान कर डालेंगे इसके अंदर। अच्छे से हमने छानना है, छानने से जो है कि इसके अंदर जो गुठलियाँ वगैरह बनती है ना वो नहीं बनेगी और इसका जो बैटर है ना वो बहुत स्मूथ तैयार होगा। ये देखिए बैटर हमारा बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम अपना अगले आगे वाला काम करते हैं और इसको करते हैं साइड पर। सबसे पहले हमें चाहिए होगी ब्रेड, जो कि मैंने फुल साइज़ बड़े वाली मीठी ब्रेड ली है। तो हमने ब्रेड को हमने इस तरह से बेलना है आस्था से बेलन के साथ, अच्छी तरह से आपने इसको प्रेस करना है अच्छी तरह से ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। और साथ ही हमने इसके जो किनारे हैं ना वो रिमूव कर देने हैं। तो अब हम करेंगे इसकी कटिंग। कटिंग करने के लिए आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, आप चाहे तो ग्लास ले लें, कटोरी ले लें, या फिर आपके पास कोई ढक्कन वगैरह है तो वो ले लें, या फिर किसी भी शेप का कोई भी आपके पास मोल्ड है तो वो ले लें। इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, ऊपर से अच्छे से हमने दबाना है। इस तरह से ये देखिए इसके अंदर निशान लग चुके हैं और ये हमारी ब्रेड जो है बिल्कुल आस्ता आस्ता से हमने इसको लैदा कर लेना है। आप कोई और कोई भी दूसरी शेप देना चाहें तो अपनी मर्जी के हिसाब से दे सकते हैं। ये मेरे पास ग्लास है, ये इसके किनारे हैं थोड़े से तीखे तीखे हैं। इस तरह से मैं जो है ना ये इसको काट दूंगी ब्रेड को। ये देखें माशाल्लाह से कितना आसानी के साथ कट चुका है और ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा कटा है। इसी तरह से हम सारे काट लेंगे। ये देखें मैंने ब्रेड को मुख्तलिफ शेप्स के अंदर काट लिया है और अब हम इसकी ये अपनी अपनी मर्जी के हिसाब से आप इसकी जो है ना कटिंग कर सकते हैं जो भी आपको अच्छी लगे। तो अब हम इसकी करते हैं तलाई, अब हम इसको लेके चलते हैं चूल्हे के ऊपर। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक अदद फ्राई पैन जिसके अंदर हमने डाला घी। ऑयल हमारा गर्म हो चला है, अब हम इस तरह से बैटर को लगाएंगे हमने जो ब्रेड काटा था इसके ऊपर। इस तरह से लगा के हमने इस तरह से आसाते से इसको उठा लेना है। इस तरह से हमने इसको बैटर लगाते जाना है और इसके साथ हमने इसको फ्राई करते जाना है। ये देखिए माशाल्लाह से ब्रेड पकौड़ा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल फूल भी चुका है और क्रिस्पी भी है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ये देखिए ये वाले हमारे जो मैंने पहले डाले थे पकौड़े ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, अब इनको मैं निकाल रही हूँ। माशाल्लाह से देखिए कलर कितना प्यारा आया है इनका। ब्रेड के स्नैक्स जो हमने बनाए हैं ये हमने तल के रेडी कर लिए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कलर भी बहुत प्यारा है और खुशबू तो बहुत ही मज़े की आ रही है, दिल करता है जल्दी से इसको उठा के खाएँ।
बिल्कुल सॉफ्ट है, नरम है, अंदर से पका हुआ भी है, ऊपर से भी क्रिस्पी है और अंदर से नरम है, बिल्कुल जूसी सा बना है। ये देखिए माशाल्लाह से, बिल्कुल ऊपर से सख्त और अंदर से नरम। आप इसको लंच में बच्चों को बनाकर दें या फिर मेहमानों के लिए बनाएं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जो जरूर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।